हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती शाक्यवार आप सबका स्वागत करती हूँ द इनसाइड हाउस पर। आज मैं आप लोगों के लिए व्रत की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स, जो है साबूदाने की टिक्की। कोई कुछ लोग इसे टिक्की कहते हैं और कुछ लोग इसे कबाब भी कहते हैं, तो आप जो समझना चाहें समझ लीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसके अंदर साबूदाने डालेंगे। ये मैं 4 चम्मच साबूदाने ले रही हूँ फ्रेंड्स, और इनको हमें भिगोना है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप सुबह बनाना है आपको तो आप रात को भिगो सकते हैं इसको। पहले मैं इसको धो लेती हूँ। 2 बार मैंने साबूदानों को धो लिया अच्छे से और पानी डाल के रख दिया है इन्हें भिगोने के लिए। ये देखिए इतना पानी डालना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है हमें। पानी उतना ही होना चाहिए जिससे ये सोख हो जाए बस, और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमें। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए हमारे साबूदाने फूल गए हैं अच्छे से। ये देखिए मैं आपको मसल के दिखाती हूँ, एकदम से कुचला हो गया इनका, अच्छे से फूल गए हैं ये देखिए। और हम इसे एक तरफ उठा के रख देते हैं फिलहाल। तो एक पैन रखते हैं गैस पर, और उसमें 1 चम्मच घी डालूंगी। मैं ये देसी घी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप जानते ही होंगे कि व्रत में देसी घी का ही यूज़ किया जाता है। अगर आप तेल या रिफाइंड खाना पसंद करते हैं व्रत में तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मूंगफली ले ली है फ्रेंड्स, ये मैंने 50 ग्राम के करीब मूंगफली ली है फ्रेंड्स, जो मैंने इनको डाल दिया है घी के अंदर, और इनको थोड़ा सा हम भूंज लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारी मूंगफली भूंज गई है, देखिए कलर भी आ गया। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, दर दरा सा पीसेंगे हम मूंगफली को। हमें एकदम पाउडर नहीं बनाना है इसका, दर दरा सा हम मूंगफली को पीस लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने दर दरा सा पाउडर कर लिया है इसका। इसमें दाने साबुत भी हैं कुछ मूंगफली के, और कुछ पाउडर के शेप आ गई है किसी की। अब फिर से हम फैन रखेंगे, उसी फैन को उसमें 1 चम्मच फिर से देसी घी डालेंगे, और इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे 1/2 चम्मच, और 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और इनको हल्का सा भूनेंगे पहले। तो अब इसके अंदर जो हमने पाउडर अभी रेडी किया है मूंगफली का, दरदरा सा पाउडर, इसको डाल लेंगे इसके अंदर, और इसको भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है फ्रेंड्स फिर से। ओके फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे फ्रेंड्स। नमक हम डालेंगे व्रत वाला नमक, सेंधा नमक, जो कि व्रत में खाया जाता है। और ये मैंने 1 चम्मच लिया है, और 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। अगर आप लाल मिर्च पाउडर या कोई और मसाले खाना पसंद करते हैं नवरात्रि के व्रत में तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं पसंद नहीं करती हूँ। इनको मैंने अच्छे से भला लिया और ये भुन गए हैं हमारे। अब इसको हम गैस से उतार देंगे। इधर एक बाउल, बड़ा बाउल लेंगे, और इसमें हम ये साबूदाने निकाल लेंगे सारे, और अब इसके अंदर मैं आलू मिलाऊंगी फ्रेंड्स। आलू को मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है फ्रेंड्स, ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए और मिल जाए अच्छे से साबूदाने में। हाथों से इसको अच्छे से मसलते हुए हम मिला लेंगे फ्रेंड्स। मैंने साबूदाने और आलू में अभी तक कुछ नहीं मिलाया है, तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, सेंधा नमक डालेंगे फ्रेंड्स 1/2 चम्मच छोटा वाला। इसको भी इसमें मिला लेंगे अच्छे से, और फिर इसके अंदर हम जो हमने मूंगफली भून के रखे हुई है क्रश करके, उसको हम मिला लेंगे। अब फिर से हम इसको मिला लेंगे फ्रेंड्स, ताकि ये मूंगफली का पाउडर जो है ये भी मिल जाए ठीक से हमारे साबूदाने और आलू के अंदर। अब ये डो रेडी हो गया है हमारा फ्रेंड्स। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे फ्रेंड्स। अब हम डो लेंगे थोड़ा सा उंगलियों से, ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसको शेप देंगे फ्रेंड्स। पहले तो इसको गोल गोल कर लेंगे, हम घुमाएंगे बॉल की तरह बनाएंगे, और फिर इसको हम दबा देंगे। ये देखिए ये हमारी एक टिक्की रेडी हो गई। आप इसकी शेप कोई और भी शेप दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, राउंड शेप या फिर बाउल शेप, जैसी भी शेप आप देना चाहते दे सकते हैं। और इसके गोल गोल भी बना सकते हैं, बोल टाइप में भी आप बना सकते हैं इसको। ये जिस तरह के से भी बनाएंगे आप इन्हें बहुत ही टेस्टी बनेंगे फ्रेंड्स। ये एक और मैंने आपको बना के दिखा दिए फ्रेंड्स, देखिए कोई क्रैक नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी ये टिक्की रेडी हो गई है फ्रेंड्स। इसी तरीके से मैंने सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। अब हम एक फ़ैन रखेंगे या कढ़ाई, जो कुछ भी आप रखें गैस पर वो रख सकते हैं। और इसके अंदर ये मैंने देसी घी ले लिया है, शुद्ध देसी घी, और ये पिघल भी गया है, गर्म हो गया है हमारा घी। अब इसके अंदर हम
टिक्की डालेंगे एक एक करके फ्रेंड्स। एक बार में हम इसके अंदर 5 से 6 टिक्की आराम से डाल सकते हैं फ्रेंड्स, और मैं इसके अंदर 6 टिक्की ही डाल रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए। और ये एक तरफ से हमारी अच्छे से सिक गई हैं, देखिए गोल्डन कलर आ गया अच्छे तरीके से इसमें। और इनको मैं पलट रही हूँ फ्रेंड्स, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं फ्रेंड्स ये टिक्कियाँ साबूदाने की, और ख़ास तौर पे इसमें व्रत में पसंद किया जाता है इन्हें। साबूदाने की रेसिपी ज़्यादातर व्रत में ही यूज़ की जाती है फ्रेंड्स। और ये दूसरी तरफ से हम पलट देते हैं इन्हें, देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं। एकदम से करारापन आ गया हमारी टिक्कियों में, और कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। अब हम इन्हें निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ये हमारी अच्छे से सिक गई हैं। और इन्हें गर्म गर्म ही सर्व कीजिएगा तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा इनका फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है या बताना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।